उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली के रिफॉर्म क्लब पहुंचे। समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार विधानसभा से विधायक मनोज पांडे की माताजी के निधन के एक वर्ष बीत जाने पर उनकी वर्षी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज अपने नेता को देखकर जोश देखने को मिला। चुरवा बॉर्डर से लेकर रायबरेली तक जगह जगह उनका स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार चाहे वह केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में, जनता के साथ सिर्फ छलावा कर रही है। उनके पास महंगाई को रोकने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बजट ही नहीं है। अपने नज़दीकी और सजातीय लोगों को सिर्फ प्राइवेट ठेके दिए जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने अंग्रेजी शासनकाल बना रखा है, ना कि किसी को बोलने देंगे और ना ही किसी की सुनेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी किन किन पार्टियों से गठबंधन करेगी, यह चुनाव नज़दीक आने के बाद ही तय होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले नगर निकाय के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस चुकी है। सर, ये सरकार और कुछ चल रहा है और अश्लीलता उस पर फैलाई जा रही है। नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है। ये आपको कहना चाहिए, नहीं, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते, और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ ना कुछ ट्वीट करवाते हैं। जीत कैसे जाते हैं? अगर कोई विरोध हम करें उसका जवाब दे दें तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गए। रायबरेली से RBL हिंदी न्यूज के लिए आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।